वैसे तो टमाटर आलू की सब्जी हर किसी को बनाना आता है, बट आज की ये रेसिपी थोड़ा सा अलग है। आज की ये रेसिपी मेरे स्टाइल से है, जो कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वही रेसिपी आप सभी व्यूवर्स को भी दिखाऊँ, जो कि मेरे घर में सबको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। टमाटर आलू की ये कॉमन सी सब्ज़ी स्वाद में कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ये हर दूसरे दिन तो बनती ही बनती है। तो चलिए चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस में और आपको दिखाते हैं कि इस सब्ज़ी को मैं किस तरीके से बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई में डाला है मैंने सरसों का तेल। जब भी सरसों का तेल में धुआं निकलने स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे हींग और जीरा और क्यूब्स में कट किए हुए ये आलू। आलू आप देख सकते हैं, आलू को मैंने ना ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटा है ना ही बड़े टुकड़ों में काटा है, एवरेज साइज़ का कट किया है। और यहाँ पर ये मैंने लिए हैं देसी टमाटर, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा खट्टे और स्वादिष्ट होते हैं। तो जितने आलू लेने हैं हमें क्वांटिटी में उतने ही टमाटर लेने हैं। साथ ही ये आप देख सकते हैं देसी वाले धनिए का इस्तेमाल आज मैं करने वाली हूँ, जिसकी खुशबू जो है ना वो पूरे घर को महका देती है। आलू को हमें हींग और जीरे के बाद आलू को डाल देना है और आलू को हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब भी आलू जो है ना इस तरीके के गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आलू हमें इस स्टेज तक कुक कर लेना है। उसके बाद ये देखिए मसाले, जो बेसिक मसाले हमारे घर में यूज़ होते हैं, उन्हीं मसालों के साथ आज की ये सब्ज़ी बनने वाली है और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। जैसे ही आलू हमारे गोल्डन होने लगेंगे, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्ज़ी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है ना हमें डाल लेना है। साथ में ही थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर जो है ना हम डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.5 चम्मच के करीब हमें धनिया पाउडर डाल देना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से आलू के साथ मसाले हमारे पक जाएं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही पकने स्टार्ट हो जाएंगे, हम इसमें जो है ना 1 गिलास के करीब यहाँ पर मैंने पानी और डाला है। पानी जो है ना लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, तो पानी धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा जैसे जैसे सब्ज़ी हमारी पकती जाएगी। सो पानी थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ही डालिएगा। और उसके बाद जैसे ही अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, अब हमें क्या करना है, इसमें कटे हुए टमाटर डाल देने हैं और हरी मिर्च भी इसमें हमें डाल देना है। सो ये टमाटर की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा सी ली है, और देसी वाले टमाटर अगर मिल जाए तो टमाटर आलू की सब्ज़ी में जो है ना वो स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी पानी की क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पानी और भी कम हो जाएगा जैसे जैसे सब्ज़ी हमारी पकेगी। अच्छा सा बॉयल टमाटर के साथ भी आ गया है। टमाटर को हल्का सा चलाते हुए मैशी कर लेंगे, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से आलुओं के साथ सेट हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है ना ऑलमोस्ट हमारी पकने ही वाली है। इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे, और 5 मिनट के बाद जो है ना ये सब्ज़ी हमारी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आलू को और टमाटर को हल्का हल्का सा मैश कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए। उसके बाद देखिए सब्ज़ी जो है ना हमारी पक चुकी है। इसमें हमने डाल दिया है देसी वाला हरा वाला धनिया और सब्ज़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने प्याज लहसुन अदरक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये जो है ना सब्ज़ी एकदम से कॉमन सब्ज़ी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब आप इसे पूड़ी, पराठे, राइस किसी के साथ भी खाएंगे तो इसका स्वाद आपको बहुत ही अलग तरीके का दिखेगा। ध्यान में रखना है कि टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए।